ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ऐसे ही हम लोग यहाँ घुसे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता गया है, अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। स्कूटी चलाते चलाते मुझे अचानक से मेरे राइट साइड में ये दिखा। तो गाइस अभी जो हम लोग गेट खोल के अंदर गए थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था, और हम लोग गेट लॉक करके अंदर घुसे थे, बट आते टाइम में वो गेट ओपन था। भानगढ़ में रात गुजारने के बाद, गुड मॉर्निंग भानगढ़ से। हम लोग रात को आए थे भानगढ़, जो मेन गेट है वहाँ से हम लोग ने थोड़ा सा लेफ्ट गए हम लोग, एंड देन वहाँ पे हम लोग ने चढ़ाई करके उतरे। स्ट्रेट हम लोग उस वे से आए, और यहाँ पे एक बरगद है, यहाँ पे हम लोग सोए रात भर। राहुल उस बेंच पे सोया हुआ था, सौरभ इस बेंच पे सोया हुआ था, और मैं उस बेंच पे सोया हुआ था। रात भर हम लोग इसीलिए सो नहीं पाए कि मयूर लोग इतना साउंड कर रहे थे, और मतलब मोस्टली पिकॉक लोग का साउंड बहुत आ रहा था, और बाकी एनिमल्स का भी साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। आपको अभी पूरा दिखाएंगे भानगढ़। जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबते यारों की। सो गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सनराइज देखते हुए भानगढ़ में। सो गाइस चलिए चलते हैं। गया है शायद, जूता खोल के गया यार अंदर मंदिर है, पता नहीं क्या है। नहीं चमगादड़ों का कह रहा है गाइस, ये महल का द्वार है। बहुत ही ज्यादा स्मेल कर रहा है ये जगह, पता नहीं क्यों। बोलते हैं कि यहाँ पे महल के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, या फिर नेगेटिव एनर्जी को आप फील कर पाते हैं। गाइस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये टनल के अंदर क्या है देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। मतलब रात भर स्टे करके सुबह से ब्लॉगिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। चमगादड़ आ गए थे चेहरे पे, तो नहीं गया था आगे। क्या हो गया था? चमगादड़ आ गए थे चेहरे पे उधर आगे जाने से इधर। चलो चलते हैं अंदर, देख लेते हैं थोड़ा। ये सारे चमगादड़ हैं, ये वेजिटेरियन होते हैं ना, चिपक गए तो चिपक जाते हैं। लोग बोलते हैं ये खून पीने वाले हैं, लेकिन ये वेजिटेरियन होते हैं सब। बात तो सही है। तो फिर से जयपुर की गर्मी पता चलते हुए, आज बहुत गर्मी होने वाली है। सुबह से 6 बजे अगर इतनी ज़्यादा गर्म है तो आज दिन भर कैसे बीतेगा पता नहीं, बट होप फॉर द बेस्ट कि सब चीज़ झेला है तो ये भी झेलेंगे, और जहाँ भूतों से डर नहीं लग रहा है तो सन को तो झेल ही लेंगे। क्या है? चलो यहीं से ऊपर चलते हैं। क्या है, क्या है, क्या है राहुल? क्या है राहुल? मैसेज है ऊपर जाने का। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। क्यों? चल टॉप फ्लोर पर रुक जाएगा, लाइट थोड़ा जला लेते हैं। चल यहाँ बैठ, अरे फास्ट चल, किसी नहीं नो प्रॉब्लम। आओ नहीं जो ऊपर के पैसे भी नहीं ना बहुत अच्छे ऊपर कबूतर लोग का पंख देखे थे ना सारे चिपके हुए। बहुत गंदा बास मार रहा है रे। क्या चमगादड़ कहाँ? हाँ देख ली देख ली, आपको दिख रहे हैं चमगादड़ उधर, बहुत बड़े बड़े साइज। चलो ऊपर चलते हैं एक बार।
भानगढ़ के टॉप को जा रहे हैं अभी हम लोग, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। वो क्या बोलते हैं निपा ये लोग करते हैं ना। ये जो अर्थक्वेक आया हुआ था ये और भी हाइटेड है गाइस, बहुत हाइटेड तक है, लेकिन अर्थक्वेक जब आया था तो सब टूट उठ गया था, जो बचा कुचा है वो रह गया बस, पिलर सब है यहाँ पे। अरे 16th सेंचुरी में शायद टॉयलेट का भी निर्माण हो गया था, महलों में टॉयलेट भी हुआ करते थे। गाइस पूरा टॉप से व्यू लेते हैं भानगढ़ फोर्ट का। वाओ अमेजिंग गाइस, क्या व्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इस चीज़ को देखने के बाद सौरभ का प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पे डांस होता होगा, ठीक है, जो बीच वाला है उसमें मेन डांसर नाचती होगी और साइड में साइड वाले डांसर, बैकग्राउंड डांसर नाचते होंगे, और यहाँ से शायद देखते होंगे रानी और उनके मतलब महल के लोग और क्या। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक हाथी का सिंबल मिलेगा। सो राहुल का प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पे हाथी आते होंगे, मतलब सामान वामान देने के लिए हाथी को चढ़ा के आते होंगे। वैसे तो रास्ता बहुत सही है, सीधा एकदम सरल है कि इजीली हाथी आके ऊपर सामान डिलीवर करके जाए, और यहाँ से वो तांत्रिक जिसकी स्टोरी हम आपको कुछ देर में बताएंगे, वो यहाँ से रानी को देखता था और पूरा टाउन पे भी नज़र रखता था कि रानी कहाँ जा रही है, जो दासियाँ हैं वो लोग कहाँ जा रही हैं, सो देट वो रानी के पास कुछ मैसेज भेज पाए। बहुत शातिर था ये। का फोर्ट को कम्प्लीटली हम लोग घूम चुके हैं, ये देखिए मयूर, डांस कर मयूर रे, डांस कर। यहाँ पे मतलब आपको पूरा हर जगह मयूर देखने मिलेंगे, आपके सर के ऊपर से उड़ के भाग जाते रहेंगे, मतलब थोड़ा सा धूप में आ जाता ना ये मयूर तो मतलब उसका कलर जैसे शाइन करता। पिकॉक पिकॉक चन 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 चन। अभी हम लोग बंदर को दे दिए। हम लोग फोर्ट जो है फोर्ट के लेफ्ट साइड में जाके एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। बंदरों को केला खिलाते हुए लंगूर को, ये दादी भी कर लेना, दादी थको वीडियो बना ले, वहाँ कहीं जाओगा नहीं दादी को वीडियो बना, कहाँ ले जाओगे दादी को वीडियो बना के। माना जाता था कि मंदिर के एरिया को छोड़ के बाकी हर जगह श्राप का असर रहता था। अब चलते हैं उस जगह को जहाँ पे करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ से वो दौड़ दौड़ के ऊपर जाते हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे। इसी बैकग्राउंड में सलमान खान और शाहरुख खान उनकी माँ का पैर छू रहे हैं। जब देखें तेरी सूर। ये वाली फुटेज मंदिर के साइड एंगल से ली गई। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं मंदिर के अंदर क्या है। भाई 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 क्या डिजाइन है यार, इतना सुंदर। तब मतलब कैसे डिजाइन बनाते थे यार, मेरा तो सर चकरा रहा है ये सब देख के। इतना सुंदर तरीके से आर्किटेक्चर कोई कैसे बना सकता है यार, तब के लोग और तब का जमाना। मैं हूं आपका आज का गाइड राहुल सिंह, और जैसे कि आप देख रहे हैं दी वेस्टर्न गाइड हमारे भानगढ़ में पधारे हैं आज। तो चलिए जानते हैं क्या है इस रहस्यमय भानगढ़ की कहानी, जिसको हम जानते हैं एशियाज मोस्ट हॉरर प्लेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे भानगढ़ का किला है, इसको बनवाया गया था राजा माधव सिंह के द्वारा, जो कि शहनशाह अकबर के दरबार में एक रतन थे। उनका इच्छा था यहाँ भानगढ़ में किला बनवाने का, क्योंकि जयपुर में उनके भाइयों का काफ़ी वर्चस्व बढ़ गया था, तो उनको अपना खुद का एक वर्चस्व बनाना था।
तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ पे एक किला बनवाऊँ अपना। तो यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये संत महात्मा बालूनाथ जी का मकबरा है जो कि अभी खंडरों के बीच ही रह गया है। तो माधव सिंह ने इनकी आज्ञा अनुसार यहाँ पे किला बनवाने का सोचा और किला बनवाया, पर इनकी एक शर्त थी कि अगर इस किले का, भानगढ़ के किले का जो छाया होता है शैडो, अगर मेरे मकबरे पे पड़ा तो शहर का विनाश हो जाएगा और इसके बाद आने वाले समय में इस शहर को कोई नहीं बसा पाएगा, कोई घर नहीं बस पाएगा इस शहर में। जैसे कि आप जान रहे हैं आज तक यहाँ पे कोई घर नहीं बस पाया उस दिन के बाद। तो जैसे जैसे राजा माधव सिंह के इस भानगढ़ के किले की प्रशंसा बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे इस भानगढ़ का एरिया बढ़ता गया और इस किले का हाइट बढ़ता गया। जब इस किले का हाइट बढ़ गया और इस मकबरे पे इसकी शैडो पड़ी, उस दिन संत महात्मा बाहर निकले बालूनाथ जी और इन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद यहाँ पे कोई शहर नहीं बसा पाएगा, कोई घर नहीं बसेगा, और आज भी इसका वही हाल है। तो इसी के साथ जुड़ी हुई एक और कहानी है रानी रत्नावती की। तो आइए अब जानते हैं अपनी दूसरी कहानी रानी रत्नावती के बारे में। इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा बहुत दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपनी दोस्तों के साथ बाजार इतर खरीदने निकली थी। उस तांत्रिक ने ये देखा और काले जादू की मदद से इतर में कुछ मिला दिया, जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दी। ये सब बात सुनने के बाद राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी, जो कि एक चट्टान पे जाके टकराया। काले जादू के लिए वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुआ और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने भानगढ़ को श्राप दिया। भानगढ़ तो कभी सुखी नहीं रहेगा और यहाँ जो भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ दिनों बाद मुगल ने भानगढ़ में घुस के उसे कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे, औरत, छोटे छोटे बच्चे और राजकुमारी रत्नावती को उनके कमरे में जाके मार दिया गया था। स्त्री दिखा, वो ऐसे दिख रहा है कि आदमी अपना बच्चा को ऐसे पकड़ के बैठा है ऐसे, लेकिन वो कुछ बंदर उन्दर कुछ नहीं है, वो मतलब एक डगाली है जो ऐसे दिख रहा है। ये देखिए एक तो हॉर्स को। जैसे कि वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट ने 5:00 के बाद इस जगह पे प्रवेश निषेध कर दिया है और इस जगह को एशियाज मोस्ट हॉरर प्लेस डिक्लेयर किया है उन्होंने। तो हमने भी यहाँ पे स्टे किया और किसी चीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। तो कृपया आपसे भी निवेदन है कि इस जगह को जैसे है वैसे मेंटेन रखिए, यहाँ की कोई भी चीजों के साथ छेड़खानी ना करिए। तो बहुत बड़ी बात बोल दी गई है, आवर हेरिटेज इज आवर ग्लोरी। आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं बस इसका एक वीडियो बना देता हूँ। तो यही वो जगह है जहाँ पे मीना बाजार लगता था पुराने टाइम में। अभी भी माना जाता है कि रात को भूत लोग यहाँ पे आके मीना बाजार लगाते हैं। ये पूरा नक्शा है भानगढ़ का, ये मतलब कहाँ क्या क्या है, आप पूरा देख के वैसे हिसाब से घूम सकते हैं। डन विद द डे, और आज का दिन हमारा ख़त्म होता हुआ भानगढ़ में। रात के 12:00 से जो हम लोग ने ट्रैवल किया, अभी सुबह का 9:00 बज चुका है, हम लोग सोए नहीं है, रात भर जागे, भानगढ़ के राइड किए, फोर्ट के अंदर आए। माहिर ने पूरा रास्ता चलाया था, एक कच्चे रास्ते में घुसा दिए थे गाड़ी, बहुत मुश्किल से बाहर निकले, फिर पहुंच गए। सो मतलब रात में बहुत डिफिकल्ट था भानगढ़ तक पहुंचना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रूट था और यहाँ का गूगल मैप भी बहुत कंफ्यूज करता है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में गाड़ी घुसा दिए थे वहाँ पे गेहूँ उग रहा था, गेट खोल के अंदर जा रहे थे। शूटिंग साइड का बात जैसे सौरभ ने मुझे बोला, मेरा फट गया, हम लोग इतनी तेजी से आए, उल्टा और भी गेहूँ करते रहता है मयूर लोग। तो रात से बेटर यहाँ पे डे ज़्यादा अच्छा है, जैसे आप सनराइज देख सकते हैं और मोर बहुत चिल्लाते रहते हैं इधर और उड़ते रहते भी हैं पीक से इधर नीचे तक।
नज़ारा अच्छा रहता है। रात का भी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ जैसे हमें बताया जाता है कि भूत होंगे, प्रेत होंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे, अगर आपने स्टे कर लिया तो आपका मौत हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं था। हाँ, मगर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। हाँ, कुछ डिफरेंट था। जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे सेंस कुछ हुआ नहीं। बात तो ट्रू है, यहाँ पे वैसे तो 6 बजे से खुल जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर आते हैं सुबह सुबह तो यहाँ पे सुबह सुबह काउंटर 5:30 को खुल जाती है। आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट में भी जाके आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। सुबह के 5:30 बजे जाके आपको अपना आधार कार्ड और आप फोन पे, गूगल पे, नेट पेमेंट से आप करके स्कैन करके, बारकोड स्कैन करके आप टिकट काट के आराम से 6 बजे तक अंदर आ सकते हैं। और ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि बहुत पुराना किला है, कहीं से भी कुछ भी टूट के गिर जाता है। मोस्टली किला का कोई टेंशन नहीं है, बात यह है कि यहाँ पे जंगली जानवर हमेशा घूमते रहते हैं, लियोपार्ड्स, हिरन विरन, मंकीज, और इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, जैसे कि हम जाएंगे प्रयागराज जाएंगे और बहुत बहुत सिटीज जाएंगे, जयपुर में हवा महल, मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं जयपुर को, पूरा निचोड़ के छोड़ेंगे। भानगढ़ का किला, ये पेड़ भानगढ़ के एंट्री गेट के सामने ही है, वो ये भी डरावना दिख रहा है बहुत। देखिए, हम लोग उस जगह से गए थे चढ़ के, उस जगह पे पता नहीं कि ये डिश को क्या बोला जाता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश है राजस्थान में।